राष्ट्रवादी पार्टी से मेरा कोई लेना देना। राजू अंसारी जो है उनका साफ तौर पर ऐसा कहना है उनका एनसीपी पार्टी से किसी भी तरह का कुछ लेना देना नहीं है। ये जानकारी थी कि वो बैनर लगाएंगे लगाए जाएंगे मगर इसमें मेरा फोटो होगा ये मुझे जानकारी नहीं थी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में काफी उलट फेर हुआ और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद से ही मुंब्रा शहर में जो है उन्हें बधाई देने के लिए बैनर लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से यहाँ पर अजीत दादा पवार जो है उन्हें बधाई देते हुए एक बैनर लगाया गया है। लेकिन इसमें जो है एक अहम बात यह है कि जो बधाई दे रहे हैं जो शुभेच्छक है वो राजू अंसारी हैं, जबकि राजू अंसारी जो है उनका साफ तौर पर ऐसा कहना है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और उनका एनसीपी पार्टी से किसी भी तरह का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने मीडिया में भी कई बार बयान दिए कि मैं कभी ना एनसीपी के जो है बैनर पे दिखूंगा ना कभी एनसीपी के मंच पर दिखूंगा, लेकिन तस्वीर जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर देखेंगे आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर पे राजू अंसारी की तस्वीर है, लेकिन जो ये बैनर भी अगर बैनर के हिसाब से हम आपको बताएं तो शुभेच्छुक यानी कि ये मुबारकबाद भी जो है राजू अंसारी दे रहे हैं। हालांकि इस बैनर को लेकर जो हमने राजू अंसारी से बात की कि ये बैनर क्या आपने लगाया है तो उन्होंने ये कहा है कि हालांकि उन्हें बैनर लगने की जानकारी थी लेकिन बैनर में उनकी तस्वीर रहेगी इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी और उन्होंने ये भी कहा कि ये बैनर जो है उन्होंने नहीं लगाया है। उन्होंने ये कहा कि नजीब मुल्ला के साथ में वो हैं और नजीब मुल्ला जहाँ जहाँ रहेंगे राजू अंसारी इसका मतलब वहाँ वहाँ रहेंगे। और आप तस्वीर तो देख ही रहे हैं कि जो बयान दे दिए हैं मीडिया में कई बार कि वो एनसीपी से दूर रहेंगे, लेकिन आज जब से एनसीपी के दो धड़ हुए अजीत दादा पवार की एनसीपी अलग शरद पवार की एनसीपी अलग उसके बाद आप देखेंगे कि राजू अंसारी इनकी जो है तस्वीर अब जो है एनसीपी के बैनर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन राजू अंसारी का ऐसा कहना है कि इस बैनर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। क्या कुछ राजू अंसारी ने कहा है आप खुद सुनिए। राजू भाई एनसीपी के बैनर पे आपकी तस्वीर लगी हुई है और कौसा पेट्रोल पंप के पास में ही ये बैनर लगा हुआ है। जिस तरह से आप हर बार बयान में कहते हैं कि मैं ना एनसीपी के साथ हूँ ना एनसीपी के मंच पे कहीं दिखाई दूंगा ना एनसीपी के बैनर पे, तो आज आप जो है शुभकामना देते हुए जिस तरह से नई सरकार जो अजीत पवार शामिल हुए हैं सरकार में उनको शुभकामना देते हुए आपका बैनर एक मुंब्रा शहर में लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ मैं कि आप शायद देख रहे होंगे पिछले 6 सालों से 2017 से ये कवायद चालू हुई है कि शमीम खान साहब जब भी अपने ऑफिस पे कोई बैनर लगाते थे तो मेरा फोटो लगाया करते थे। शानू पठान साहब जब भी बकरा मंडी का फोटो लगाते हैं या उनके अंदर कोई फंक्शन अगर बैनर लगाते हैं तो उसमें वो मेरा फोटो लगाते हैं। और ये जो भी आप बैनर की बात कर रहे हैं जो हमारे डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब का को बधाई देते हुए बैनर जो लगाया गया है ये बैनर हमारे नजीब मुल्ला साहब ने लगवाया है और पूरे थाना में लगाया, पूरे बम्बई में लगाया, पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर लगाया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि नजीब मुल्ला साहब ने जो बैनर लगाया है मेरा जो फोटो लगाया है वो उन्होंने पर्सनली अपने तौर पे लगाया होगा और मैं नजीब मुल्ला साहब के साथ में हूँ, मैं एनसीपी के साथ में नहीं हूँ, मैं नजीब मुल्ला साहब के साथ में हूँ। क्या है हमारे अजीत दादा पवार साहब का नजीब मुल्ला साहब ने, तो मैं नजीब मुल्ला साहब के साथ में हूँ मगर इसका मेरा राष्ट्रवादी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बैनर में उन्हीं लोगों की तस्वीरें लग रही है जो एनसीपी से जुड़े हुए थे। हाँ तो आप तो एनसीपी से कभी जुड़े हुए नहीं थे आप ऐसा कह रहे हैं, तो फिर कैसे लग गया? क्या आपसे पूछ के परमिशन लेके लगाया गया या विदाउट परमिशन लगाया गया? किसने कहा आपसे कि मैं एनसीपी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ? मैं हमारी कांग्रेस पार्टी का 2004 से आप खुद कह रहे हैं कि मैं एनसीपी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं कांग्रेस वही बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि 1999 में जब राष्ट्रपति की स्थापना हुई उस 1999 के इलेक्शन जब महाराष्ट्र के लड़े गए तो अलग अलग लड़े गए, कांग्रेस ने अलग लड़ी और एनसीपी ने अलग लड़ी। उस वक्त से लेकर के आज तक के कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस है तो वो हमारे अलायंस पार्टनर हो सकते हैं, मैं एनसीपी का नहीं हो सकता। तो आज जो बैनर लगाया गया है शहर में ये आपने नहीं लगवाया? नहीं मैंने नहीं लगवाया और नजीब मुल्ला साहब ने लगवाया। ये जानकारी थी कि वो बैनर लगाए जाएंगे मगर इसमें मेरा फोटो होगा ये मुझे जानकारी नहीं थी।